इलेक्शन करने चाहिए। ये जो हुकूमत है ये लोगों की हुकूमत नहीं है, ये अफसरशाही है, और जब तक लोगों की हुकूमत नहीं आएगी तो लोगों की मुसीबतें दूर नहीं होंगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों की हुकूमत बने, लोग वोट डालें, लोग अपनी हुकूमत लाएं। अब कोई दिख रहा है कि जो उन्होंने कहा था कि 370 ही जिम्मेवार है यहाँ मिलिटेंसी का, अब 2019 अगस्त को उतार दिया गया था 5 को, तब से मिलिटेंसी अरूज पे फिर से आ गई है, तो 370 तो इसका जिम्मेवार नहीं था। हालत बदतर है, ज़रूर है, खतरनाक सिचुएशन है, और इसका असर मुल्क पे भी पड़ रहा है। अभी कश्मीर के एक स्टूडेंट को मार दिया है वहाँ पे चंडीगढ़ में, ये तश्वीशनाक चीज़ हो रही है। हम तो चाहते हैं कि वो रहे, या उन तक है और सरकार तक है, देखे कि इनको कैसे तहफ़ दे सके कि ये अपने दिल से यहाँ रहने सके, रह जाए, तो ज़ोर ताकत से कोई रहेगा नहीं। इसके जब तक इनको ये महसूस नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पे सेफ हैं, तब तक ये भागते जाएंगे। कितना जब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले, हमने उनसे उन्होंने कहा कि साहब हम लोग अगर सबको बुलाएं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बुलाइए चीज़ों को कि बात करें, और अगर कोई हल हमसे हो सकेगा कोशिश करें तो उसको बताने के लिए सब मिलके कि क्या कैसे यहाँ सूरत कैसे है।